आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग के अंदर तो अभी ये हम जा रहे हैं जीण माता धाम जो कि हर्ष के ऊपर जाने से पहले रास्ता पड़ता है जीण माता जी का ये रास्ता काफ़ी ख़राब था आ, काफ़ी ख़राब तो नहीं कह सकते लेकिन ख़राब था हर्ष के बजाय सड़क भी सिंगल रोड थी और थोड़ी फूटी हुई भी थी सामने से भी गाड़ियाँ वग़ैरह काफ़ी आ रही थी तो जीण माता जी धाम यहाँ से करीब आठ या नौ किलोमीटर दूर है अभी हम जीण माता जी धाम जा ही रहे हैं आसपास के अंदर यहाँ पे भी पहाड़ियाँ वाला रास्ता ही है लेकिन यहाँ पे इतनी ऊपर की चढ़ाई नहीं है सीधा रास्ता ही है सामने एक गाड़ी खड़ी थी मुझे मतलब तो कि रास्ते के अंदर एक भैया मिले गाड़ी वाले जो कि एकदम नई गाड़ी है टाटा की सफारी इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था सड़क के ऊपर कोई बीच में ब्लेड लगी हुई थी उस ब्लेड से पूरा टायर फट गया था एकदम नई गाड़ी है ये तो फिर इन्होंने कहा कि कोई मदद कर दोगे तो अभी हम इनकी मदद करने में लगे हुए हैं आता तो हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी लेके भगवान का नाम हो गए शुरू कि चलो एक से भले दो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही तो अभी अमित इसके टायर को जेक लगा के ऊपर उठा रहा है इतना ज़्यादा हमें भी पता नहीं है क्योंकि हम गाड़ी वग़ैरह रखते नहीं हैं तो इतना नॉलेज नहीं है कि गाड़ी के अंदर जेक कहाँ पे रखा होता है कहाँ से इसको उठाया जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता है जितना वीडियोस वग़ैरह के अंदर देखा है तो ये जो इशारा करके बता रहे हैं ये यहाँ से टायर पे ब्लेड लगी हुई थी यहाँ से टायर पूरा फट चुका था साथ में एलोए के ऊपर भी काफ़ी डेंट आ गया था ये भैया हरियाणा के हैं यहाँ पे हर्ष के और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे तो अभी अमित इनकी गाड़ी को जेक लगा रहा है अभी थोड़ी हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अमित ने हाथ से ही इस वोल्ट को ढीला कर दिया जो कि पैर की मदद से ही ढीला होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है मशीन से टाइट किया हुआ होता है वोल्ट और अमित ने इसे हाथ का झटका देके ही खोल दिया था ये देखिए इस वीडियो के अंदर इसलिए इसके अमित के ऊपर हंस रहे थे अमित को नाम भी दे दिया था बाहुबली उन भैया की मदद करने के बाद में हम पहुंच गए जीर्ण माता धाम यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ होती नहीं है लेकिन आज यहाँ पे भी कुछ भीड़ थी हो सकता है कि जहाँ पे शादियाँ वग़ैरह चल रही है तो यहाँ पे लोग गठजोड़े से जात लगाने के लिए आते हैं माता जी के ये है कुछ जीण माता मंदिर का बाहर का गेट यहाँ पे मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने हाथ को जैसे तरह से ऊपर करके कोशिश की थी कि माता जी की एक फ़ोटो ले सकूं मैं क्योंकि मुझे आप सभी को भी दर्शन करवाने थे इसलिए जय माता जी की हराम राम राम